आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मूंग के दाल के हलवे की रेसिपी, जिसमें ना तो आपको दाल को भिगोने की जरूरत है ना ही आपको मिक्सर की जरूरत पड़ेगी। बिना मिक्सर में पीसे एकदम मस्त शादियों वाला मूंग की दाल का हलवा आप बना के तैयार कर सकते हैं, वो भी घंटों में नहीं बिल्कुल मिनटों में। तो रेसिपी बहुत ही आसान है, पूरी जरूर देखिएगा। सबसे पहले हमें ले लेनी है दाल। तो यहाँ पे ले लिए मैंने एक कटोरी बिना छिलके वाली मूंग की दाल, जिसे मूंग का मोगर भी बोलते हैं। तो एक कटोरी ले लिए, इसे डाल देंगे कुकर के अंदर और इसे हमें एक बार के लिए अच्छे से वॉश करना है। तो लगभग 3 से 4 बार हमें पानी डाल के अच्छे से मसल के वॉश करना है, ताकि जो भी इसके ऊपर पाउडर वगैरह लगा हो वो सब अच्छे से साफ हो जाए और सारी जो गंदगी दूर हो जाए। उसके बाद में सारा पानी निकाल दिया है और एक कटोरी में पानी डाल देंगे। जितनी क्वांटिटी में दाल है सेम उसी कटोरी या कप के नाप से आपको इसमें पानी डाल देना है। साइडों की जो दाल है वो भी एक जैसी कर ली है मैंने, और उसके बाद में कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे हम 2 सीटी आने देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी आने देना है, उसके बाद गैस की फ्लेम ऑफ कर देना है। एक कोई भी सॉस का पैन ले लेंगे और सेम क्वांटिटी में हमें शक्कर लेनी है। तो जो भी कटोरी या कप मेजरमेंट के लिए लिया है सारा नाप आपको उसी से करना है। तो एक कटोरी शक्कर लिए, इसमें डालेंगे सेम उसी कटोरी से 3 कटोरी पानी। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, तो यहाँ पे मैंने 3 कटोरी पानी ले लिया है। बहुत ही सिंपल सा शुगर सिरप बना के हम तैयार करने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पे डाल दी मैं इलायची। तो मैंने 4 इलायची ली थी और इनको भी छिलके उतार के और अच्छे से कूट लिया, थोड़े से शक्कर के दाने डाल के। तो इलायची पाउडर ऐड कर दिया है, अभी इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ लेमन येल्लो फूड कलर, अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं इसे। और इसी के साथ में थोड़े से केसर के धागे ऐड कर देंगे। तो ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल है, अगर चाहें अच्छा कलर और अच्छी खुशबू चाहते हैं इसके अंदर तो डालें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। बस इसे अच्छे से मेल्ट होने देना है, फिर गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। और इधर देख सकते हैं आप, दाल भी अच्छे से बॉईल हो गई, प्रेशर को मैंने निकाल दिया है। और अभी देख सकते हैं आप, एकदम खिली खिली दाना जो एक एक है ना इसका खिल गया है। इसी तरह से दाल बॉईल करनी है, पानी भी नहीं है एक्स्ट्रा, साथ ही साथ ये जो है ना तले पे चिपकी भी नहीं है। देख सकते हैं एकदम दानेदार जो है ना इसका जो टेक्सचर है ना वो भी दानेदार है, एकदम मैसी भी नहीं हुआ है। तो बस इसे हमें क्या करना है, थोड़ा सा मैश कर लेना है। तो हम आज मिक्सर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो बस इस तरह से जो कोई भी मैशर हो, पोटैटो मैशर, उसकी हेल्प से आपको हल्का सा, लगभग आपको कुछ ही सेकंड लगेंगे, 20 से 25 सेकंड में आप अच्छे से इसे मैश कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गई ये दाल। गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा लेंगे और इसमें डालेंगे हम घी। उसी कटोरी के नाप से मैंने 1 कटोरी घी निकाल लिया है साइड में से। शुरुआत में हम जो है ना इसमें आधा कटोरी जो है घी डाल देंगे। और अभी इसमें डाल दिए मैंने 4 चम्मच सूजी। तो 4 चम्मच सूजी है, इसी के साथ में 4 चम्मच आपको बेसन भी ले लेना है। बेसन नॉर्मल है, कच्चा भुना हुआ बेसन नहीं है। गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखना है और इसे भी अच्छे से भून लेना है। दोनों को साथ में भूनेंगे हम लगभग 1 मिनट के लिए। हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसका हल्का सा जो कलर है ना चेंज ना हो जाए, क्योंकि दोनों चीज़ें कच्ची है तो हमें इसे अच्छे से भून लेना है। अभी देख सकते हैं इसका कलर जो है ना लाइट ब्राउन हो गया है। तो बस हमें इसको इतना ही भूनना है और अब हम जो हमने दाल बॉईल करके रखी है वो सारी दाल जो है इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे सारी दाल को मैं ऐड कर दूंगी। अभी आपको इसमें लम्स दिख रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप भुनेंगे सारे लम्स ख़त्म हो जाएंगे। और ये जो है ना बहुत ही सॉफ्ट है, इसे भुनना बहुत आसान है। अगर आप नॉनस्टिक कढ़ाई का यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर स्टील की कढ़ाई है ना तो हो सकता है हल्का सा जो है चिपक सकता है, वो भी शुरुआत में, बाद में नहीं चिपकेगा। अगर आप स्टील की कढ़ाई यूज़ करें तो शुरुआत में ही आप ज़्यादा घी डाल दें तो वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। अभी देख सकते हैं लगभग भुनते हुए 1 मिनट हुआ है और जो इसके सारे लम्स ख़त्म हो गए। तो अभी हम थोड़ा सा इसमें घी ऐड करेंगे। तो इसी तरह से मतलब 2-2 मिनट हम भुनेंगे और 2-2 4-4 चम्मच हम घी इसमें ऐड करेंगे तो ये अच्छे से भुन जाएगा। तो अभी मैंने शुरुआत में 4 चम्मच और घी ऐड किया है, अभी आधा कटोरी घी बचा हुआ है। तो इसको मैं ऐसे चलाते हुए भुनती रहूँगी, लगभग हमें 5 से 7 मिनट लग जाएंगे इसे भुनते हुए। और थोड़ा थोड़ा मैं बीच में घी भी ऐड करती जाऊँगी। बहुत सारी क्लिप मैंने नहीं रखी है क्योंकि जो वीडियो है बहुत लंबी हो जाती है इस वजह से। तो अभी देख सकते हैं लगभग मैंने 5 से 7 मिनट तक इसे भून लिया है और लगभग घी भी मैंने 3-4 बार इसमें डाल दिया था, बस थोड़ा सा घी और बचा हुआ है। और अभी मैं ज़्यादा नहीं भून रही हूँ। अगर आपको हलवे का कलर डार्क चाहिए तो आप इसका पहले जब आप भून रहे हो इसी वक्त इसका कलर थोड़ा डार्क कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो हलवे का कलर है इसी तरह का रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, कलर डार्क चाहिए तो भून सकते हो। और वैसे ये इसमें कच्चापन बिल्कुल भी नहीं है, दाल को हमने पहले से बॉईल कर लिया था इसलिए मैंने इसे ज़्यादा नहीं भुना है। जो शुगर सिरप हमने बना के रखा है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो बस शुगर सिरप में बस कोई तार वगैरह की चाशनी नहीं है, सिंपली आपको बस अच्छे एक बार बॉईल आएगा जैसे मेल्ट होती शक्कर। और मैंने जो है गैस को बंद कर दिया था, सारा जो शुगर सिरप है एक ही बार में डाल देना है, गैस की फ्लेम को हाई पे कर देना है और उसे ढक देना है। पानी अभी आपको ज़्यादा लग रहा होगा,
लेकिन ये सारा जो है दाल एब्जॉर्ब कर लेगी। तो लगभग एक मिनट के बाद हम चेक करेंगे, काफ़ी अच्छा सा बॉईल आ गया है, लेकिन अभी आप देख पा रहे होंगे काफ़ी ऊपर जो है छींटे उछल रहे हैं। तो इसलिए आपको इसको तब तक ढक के पकाना है जब तक कि थोड़ा सा ये गाढ़ा ना हो जाए। तो अभी फिर से हम इसे ढक देंगे, बीच बीच में चलाएंगे, लगभग 2 से 3 मिनट लगेंगे और जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी थिक हो जाएगी इस तरीके से। तो अभी ये हलवा जो है थोड़ा टाइट होना स्टार्ट हो गया है, तो अभी हम इसे ढकने की ज़रूरत नहीं है, चलाते रहेंगे हम और इसी तरह से हमें भुनना, मतलब इसको थोड़ी देर और पकाना है। तो यहाँ पे एक बार के लिए मैंने इसे चला लिया है और अभी हम इसमें थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे। तो अभी जो घी है ना लगभग 1/3 चम्मच जो कटोरी है लगभग इतना ही घी बचा हुआ है। तो इसी तरह से है ना 2-2, 3-3 चम्मच हम घी इसमें ऐड करेंगे और इसको इसी तरह से हम पकाते रहेंगे कंटिन्यूसली जब तक कि इसका जो टेक्सचर है ना दानेदार नहीं हो जाता है, जो जैसा कि मूंग की दाल के हलवे का होता है। तो थोड़ी देर और लगेगी हमें इसे बनाने में, लगभग 4 से 5 मिनट और लग जाएंगे। गैस की जो फ्लेम है हाई नहीं करना है, अब वापस से हमें जो है उसकी फ्लेम को मीडियम टू लो पे रखना है और इसे कंटिन्यूसली इस तरह से चलाते रहना है। तो अभी देख सकते हैं इसका टेक्सचर दानेदार आ गया है, साइडों में से भी घी रिलीज होना स्टार्ट हो गया और कटोरी में भी इतना सही घी बचा हुआ है। अगर आप घी कम खाना पसंद करते हैं ना तो आप इतना घी नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मतलब अगर आप जैसे जो जनरली शादियों में हलवा होता है उसमें घी होता ही है ज़्यादा, तो आप चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इस तरह से कम घी में भी इसको जो है बना सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं घी जो है मैंने तो सारे ही डाल दिया इसके अंदर और अभी मैं थोड़ा सा इसमें ना पिस्ता कतरन डाल रही हूँ। ड्राई फ्रूट डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने सिंपली यहाँ पे बस पिस्ता कतरन ऐड की है, आपको जो पसंद है वो कर सकते हैं या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसके बाद में हलवा बनके हमारा तैयार हो गया है, तो बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है गर्मा गर्म हलवा। अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई तो शादियों में भी जहाँ जाएंगे वहाँ पे आपको मूंग की दाल का हलवा मिल ही जाता है। तो घर पे जब हम बनाते हैं ना तो हमें लगता है कि घंटों मेहनत करनी होगी, इसलिए हम थोड़ा सा घबराते हैं इसे बनाने में, लेकिन बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बिल्कुल सिंपल वे में मैंने आज आपके साथ में शेयर किया है। तो इसे अगर आपको पसंद आती है ना तो मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर से आप शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मैं ऐसे ही आपके लिए रोज़ न्यू वीडियो लेके आती रहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।